एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग के आखिरी समय में जब फाइनल वॉर होगा असुरों के बीच और देवताओं के बीच, यानी कल्कि सेना जिसे लीड करेंगे कल्कि अवतार, और साथ ही असुरों की सेना जिसे लीड करेगा कौन? कली राक्षस। जब असुरी प्रवृत्तियों वाले लोग और दैवीय प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच जब महायुद्ध होगा, तब किसकी जीत होगी ये सभी को पता है। लेकिन जब ये युद्ध होगा फाइनल वॉर, उसमें असुर मारे जाएंगे, लेकिन असुरों के पास इतनी ताकत हो सकती है जिसके द्वारा वो अपने असुरों को जिंदा कर लें, जिस प्रकार की रक्त बीज ने किया था। रक्त बीज, वो असुर जो जिसकी एक बूंद भी यदि गिरती थी ज़मीन पर तो फिर से सैकड़ों रक्त बीज राक्षस प्रकट हो जाते थे, यानी उनमें वो ताकत थी। अब ऐसे ताकतों का मुकाबला करने के लिए जब कल्कि अवतार धरती पर अवतरित हुए हैं, क्या उनके पास भी ऐसी ताकत होगी जिसके द्वारा अपनी कल्कि सेना में जो लोग मारे जाएंगे उनके फिर से प्राणों की रक्षा करके, या मृत सोल्जर्स को फिर से अपनी पावर के द्वारा क्या कल्कि अवतार जीवित कर लेंगे? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? कौन सी होगी वो ताकत जिसके द्वारा कल्कि अवतार ऐसा कर पाने में अपने आप को सक्षम पाएंगे? आज इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि हर बार कल्कि अवतार के बारे में कुछ नई बातें आप लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बतलाती रहती हूँ। हनुमान जी जो कि अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं, जिन्हें माता सीता ने वरदान दिया अमरता का, और उनका चल रहा है उनकी जर्नी आज भी इस कलयुग में, कलयुग के एंड तक, जब तक कलयुग का समापन नहीं हो जाता, कलयुग का मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता कल्कि अवतार का, तब तक वो कल्कि देव के साथ लगातार रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और साथ ही उनकी सेना में भी उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियों का वरदान था और यही अष्ट सिद्धियों को कल्कि अवतार ने भी अपनी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त कर लिया है, यानी अष्ट सिद्धियों का वरदान कल्कि अवतार को भी प्राप्त कर लिया है, जिसमें से एक सिद्धि जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी वो है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व यानी ईश्वर स्वरूप या ईश्वरीय या दैवीय, यानी इस सिद्धि के द्वारा ईश्वरीय उन गुणों को, उन शक्तियों को प्राप्त कर लेना कि आप अपने आप में ही ईश्वर तुल्य बन जाते हैं और अपने आप में ही आपके पास वो शक्तियाँ आ जाती हैं जो आपको कुछ अनोखा कर गुजरने में हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं, ताकत देती हैं, और आप उसके द्वारा एक साधारण इंसान से परे जाकर कुछ अलग कर दिखलाते हैं। जिस प्रकार की ईशित्व सिद्धि का प्रयोग कर हनुमान जी ने, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था उस समय वानर सेना को जब लीड किया था, तो वानर सेना में से काफ़ी सारे वानरों की भी मृत्यु हो रही थी, लेकिन इसी सिद्धि का प्रयोग कर हनुमान जी ने उन्हें पुनः जीवित कर लिया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान जी ने किया था, कल्कि अवतार भी ईशित्व सिद्धि का उपयोग कर अपने कल्कि सेना में से जो सोल्जर्स मारे जाएंगे जब फाइनल वॉर होगा कल्कि अवतार के बीच और असुरी ताकतों के बीच, उनमें से जो भी कल्कि सेना के सोल्जर्स मारे जाएंगे, जो भी जितने भी लोग मारे जाएंगे उन्हें फिर से जिंदा करेंगे कल्कि अवतार इसी सिद्धि का प्रयोग करके, यानी इस सिद्धि को वो अपने उस समय प्रयोग में लाएंगे जब लोगों की संख्या, सोल्जर्स की संख्या जब देखेंगे कल्कि सेना में से काफ़ी सारे सैनिक मारे जा रहे हैं और जो दुष्टों की
सेना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हनुमान जी वानर सेना को, जो कि कल की सेना में भी रहेगी और कलयुग की फाइनल लड़ाई में भी रहेगी, प्लस हनुमान जी अपनी सिद्धि का प्रयोग करेंगे उनको जिंदा करने के लिए, एवं कल के देव को भी सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन कल के देव असुरों की जीत ना होने पाए, इसलिए जिस रफ्तार से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे असुरी ताकत को ना ख़त्म होने देने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा जोर से कल्कि अवतार अपने डिवाइन वेपन्स का प्लस अपने इसी ईशित्व सिद्धि का उपयोग करके अपने डेड सोल्जर्स को अलाइव करते जाएंगे। जैसे ही वो मरेंगे उसी समय जब तक मोर्चा संभालेंगे बाकी चिरंजीवी और उनको लीड करेंगे हनुमान जी हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, वो सब लोग, तब तक ईशित्व सिद्धि के द्वारा कल्कि अवतार अपनी डिवाइन टीम को, जो भी डेड मेंबर्स हैं उनको अलाइव करते जाएंगे, यानी उनको जिंदा करते जाएंगे। तो आखिर में जीत कल की सेना की, कल की अवतार की, इसलिए कल की अवतार को पहले ही यानी जन्म लेने के बाद ही उन्हें उसी प्रकार तैयार किया गया कि फाइनल वॉर में उनकी जीत हो और असुरों की हार हो। कितनी भी चालाकी असुरी शक्तियां क्यों ना कर लें, उनका विनाश होना निश्चित है। लेकिन कलयुग है, कलयुग में असुरी ताकत बहुत ज़्यादा विद्यमान है आज की डेट में भी, तो उनको खात्मा करने के लिए दैवीय ऊर्जा भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव वे में अपना काम कर रही है इस धरती पर। और कल्कि अवतार अपनी सिद्धियों के द्वारा हनुमान जी जो ऑलरेडी अष्ट सिद्धि के मालिक हैं, वो भी अपनी अष्ट सिद्धियों के द्वारा कलयुग के फाइनल मिशन को कामयाब बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। तो आज मैंने फिर से एक बार आपको ईशित्व सिद्धि के बारे में बतलाया। सिद्धियों को प्राप्त करना एक साधारण इंसान के लिए बहुत कठिन कार्य होता है, असंभव नहीं। जितने अमर आत्माएं होती हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, बहुत तपस्या की अग्नि में अपने आप को झुलसाते हैं, इस दुनिया से परे जाते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, हर चीज़ का त्याग करते हैं, तब जाकर उन्हें एक सिद्धि, दो सिद्धि या तीन सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन आठों की आठों सिद्धियां बहुत कम लोगों के पास होती हैं, और जिनके पास होती हैं समझिए वो ईश्वर तुल्य यानी ईश्वर की श्रेणी में ही, देवी देवता की श्रेणी में ही आ जाता है। उन्हें फिर साधारण मानव के साथ इस दुनिया में रहने की अनुमति नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।